Hi everyone, good morning. Good morning everyone from river side. You can call it Hooghly River or Ganga River, what you want to say. It's your choice. So, here is the start of day 2 vlog of my trip. मस्त फीलिंग आता है एक सुबह के सूरज के किरने और ठंडी ठंडी हवा है. इट वॉज सो वंडरफुल एक्सपीरियंस. ये जो देख रहे हो ये वाला, दिस इज द गेस्ट हाउस वेयर आई एम स्टेइंग. So this is the front view of the guest house while I am staying. You can call it Anand Bhavan or Indian guest house, what you want to say. क्योंकि जब मैंने booking के लिए call किया था तो Indian guest house बोल रहा था, और जब आगे देखा यहाँ पे Anand Bhavan लिखा हुआ है. तो अगर आप लोग भी book करते हो तो अगर Indian guest house बोलते हो तो ये Anand Bhavan ही होगा, Indian guest house Indian के लिए ये. यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे एक बल्कनी भी है जहाँ पे आप लोग कपड़े भी सुखा सकते हो और ठंडी के मौसम में धूप भी सेक सकते हो. यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल भी दिया हुआ है, अगर किसी को गर्म पानी चाहिए होगा तो ये गर्म पानी भी पी सकता है ये यूज़ करके. तो हर एक तरीके की सुविधा है यहाँ पे. टाटा, सो हियर इज द रूम. अभी तो बिखरा हुआ है सब, आप रूम की क्वालिटी देख सकते हो. A1 क्वालिटी. एंड दिस बिस्तर, मतलब दिस बेड, आधा हिंदी आधा इंग्लिश. दिस बेड द परफेक्ट कोलकाता ट्रेडिशनल बेड. खिड़की में बैठे बैठे या खड़े हो गए बहुत कुछ सोच सकते हो, बहुत कुछ कविता लिख सकते हो, मतलब क्रिएटिविटी कर सकते हो. अब यहाँ पे बैठ गए नेचर को एंजॉय करते करते. एंड यार इट इज द हीरो ऑफ माई ब्लॉग. वो हीरो नहीं बनेगा तो मैं खुद अपना ब्लॉग का हीरो बन जाएगा, अपना फिल्म का हीरो बन जाएगा. ये ना रास्केला माइंडेड. बुक करने के लिए ये आपको पहले से बुक करना पड़ेगा, 10-15 दिन पहले मेरा पॉडकास्ट करो तो कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको कन्फर्मेशन मिलेगा, फिर आप आ सकते हो यहाँ पे. लेकिन जो सिस्टम है वो आपका रूम के हिसाब से जो पैसा आप लोगों को लगेगा बहुत ही कम लगेगा. ऐसे रूम अगर होटल में रहना चाहते हो तो लगभग अभी जिस प्राइस में आप रहोगे आप मतलब जितना भी डोनेट करोगे उससे तो दोगुना तीन गुना बोलते क्या चलो दोगुना तो लगेगा ही, दोगुना तीन गुना समझ रहे हो ना, तीन गुना लग सकता है. तो यहाँ पे रहने का एक फायदा तो है, मतलब पैसे थोड़ा कम जाएगा. अगर बाहर से लोग आते हैं तो पैसे की भी थोड़ी दिक्कत होते हैं लोगों को, तो यहाँ पे रहते हुए सब कुछ ठीक ठाक से हो जाएगा, पैसे की इतना दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे. हाँ डोनेट करना पड़ेगा, अभी आपके दिल के ऊपर है आप कितना डोनेट करोगे. लेकिन हाँ अब रह के आप 10 रुपये डोनेट करके ये तो नहीं होगा ना, 100 रुपये डोनेट करके ये तो नहीं होगा ना. ये तो मैं बोलने के लिए बोला 100 रुपये 500 रुपये. अच्छा करते आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, कर पाया हूँ मैं. तो बहुत देर से बात कर रहा हूँ इसलिए कि जो खिड़की है खिड़की से जो लाइट आ रहा है और उससे मुझे एकदम हीरो के मफिक लग रहे, तो मन कर रहे बात करते जो करते जाते हीरो लग तो अभी बज रहे सुबह के 9:30 और मैं नहा धो के तैयार होकर निकल चुका हूँ बेलरमठ मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि आज है माँ शारदा देवी के जन्मतिथि. जी हाँ, दिसंबर में गया था ये जन्मतिथि और मैं 3 महीने बाद ये ब्लॉग डाल रहा हूँ, बहुत ही अनपंक्चुअल हूँ. और बीच में बहुत सारे ब्लॉग भी गया था, सो सॉरी फॉर लेट अपलोड. सो लेट्स एक्सप्लोर विथ मी द बेलरमठ. अरे यहाँ पे मंदिर, यहाँ पे मस्जिद, मंदिर और मस्जिद एक साथ में, दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल.
तो वेलोर मठ के अंदर आते ही मुझे वेलोर मठ का जो मेन मंदिर है ये थोड़ा अजीब सा लग रहा था, थोड़ा टूटा फूटा सा लग रहा था ऊपर से। तो फिर क्या, अमूल मचो बड़े आराम से चुटकी बजाया और ठीक कर दिया। अमूल मचो बड़े आराम से। वेल आई थिंक वेलोर मठ अथॉरिटी शुड थैंक मी टू रिपेयर दिस। दिस सीन इज सो ब्यूटीफुल। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत सारे लोग नहा रहे थे, कुछ लोग तो नहा के धूप सेक रहे थे और यहाँ पे लोग चिल कर रहे हैं, देख सकते हो साइड पे। और यहाँ पे शारदा देवी के अलग स्पेसिफिक मंदिर पे उनकी पूजा चल रही थी क्योंकि आज उनका जन्म तिथि है। ये जो पेड़ देख रहे हो आप लोग, इस पेड़ के नीचे माँ शारदा देवी से जुड़ी बहुत सारी ऐसी अलौकिक घटनाएं दिखाया गया है, तो मैं एक एक करके सब दिखाऊंगा, आप लोग देखते रहो। ये है वेलोर मठ का मेन मंदिर, यहाँ पे सिर्फ श्री राम कृष्ण देव की मूर्ति स्थापित है और यहाँ साइड पे श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा और विवेकानंद के अलग अलग मंदिरें भी हैं। ये श्री राम कृष्ण देव की मंदिर, ये माँ शारदा की मंदिर और आगे विवेकानंद की मंदिर भी है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आज माँ शारदा की जन्मतिथि है तो इस मंदिर पे बहुत भीड़ है, आप लोग देख सकते हो।
हाँ हाँ ये वाला विवेकानंद की मंदिर। और ये देखो वेलरमोड का नक्शा, यहाँ पे कहाँ कहाँ कौन से बिल्डिंग्स है सब कुछ का इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा आप लोगों को। तो अभी ये 2:00 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से टाटा वेलरमोड। अभी जाऊँगा गेस्ट हाउस, फिर खाना खा के निकलूँगा शॉपिंग के लिए। और क्या खरीदने वाला हो, क्या खरीदने वाला हो ये जानने के लिए एंड तक देखना। एंगेजमेंट अच्छा। तो आ गया हूँ बेलूर मोड़ से, अभी निकलूंगा धर्मकला मार्केट के लिए, कुछ खरीदना है वहाँ पे। सो दैट्स इट गाइज, हियर इज द एंड ऑफ दिस पार्ट वन। पार्ट टू में आप लोगों को GoPro के बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो मिलेगा, कहाँ से खरीदा, कितने में खरीदा और ऑनलाइन से कितने सस्ते में खरीदा सब कुछ जानने को मिलेगा। ये वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट का हो चुका था तो और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो यही तक ही रखते हैं आज का पार्ट वन। और पार्ट टू में आप लोगों को जल्दी मिलते हैं 4-5 दिनों में। और पंक्चुअलिटी मेंटेन करूँगा मैं, तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आज का आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कर देना, प्लीज़ कर देना, कर देना। क्या क्या मतलब क्या, सिर्फ आप लोग ही पैसा कमाओ, मैं पैसा मत कमाऊँ, मैं मेहनत करूँ इसका पैसा ना मिले, हेटर्स बोल दो ना, मुँह खोल के बोल दो कमेंट पे कि तुम हेटर्स, तुम सपोर्ट नहीं करोगे, बोल दो, बोल दो, मेरे को पैसा कमाते नहीं देख सकते आप लोग, बोल दो सपोर्ट। सो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कर दो, मेरे को भी थोड़ा मौका दो पैसा कमाने के लिए और मेरे कलाकारी आप लोगों को दिखाने के लिए। आशा करते हैं आप लोग का इसका ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में 4-5 दिनों में GoPro के ब्लॉग के साथ। टाटा।